नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज रामनवमी और नवरात्रा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी घटना घटा है मध्य प्रदेश सिहोरी गांव में, जो कि इस वीडियो पूरी सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। बाप ने मारा नाक को और नागिन ने 15 घंटे में बच्चे को काटा और लिया बदला। दोस्तों, इस घटना के बारे में हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे, आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। घटना यह है मध्य प्रदेश का बुधरी तहसील और गांव का नाम है जोशीपुर। एक घर में नवरात्रा का जवार रखा हुआ था और वहां पर एक कोबरा, एक नाग ने वहां पर दिखाई दिया और पिता ने उस सांप को पीट पीट कर मार डाला। मारने के बाद 15 घंटे अंदर नागिन ने उसके बच्चे को, एकलौता बच्चे को काटा और उसका जान चला गया। इस घटना पे पूरे देश में सोशल मीडिया में एक वायरल हो रहा वीडियो। उसके साथ साथ आप देख जान लीजिए कि घटना आदमी इस तरह इसको फैलाया है कि बाप ने मारा नाक को और नागिन ने लिया बदला। तो दोस्तों, उनके बच जो सांप को मारे पिता, उस सांप था स्पेक्टिकल कोबरा, नाग जिसको बोलते हैं, कोबरा जिसको बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, और बच्चा को जो काटा रात को 15 घंटे के बाद, इंडियन कॉमन करे। जब बच्चे को बाइट किया तो परिजन जाग चुके, घर में परिजन थे और जाग चुके। जागने के बाद उस बच्चे को लेकर गया ओझा झाड़ फूँक के पास, झाड़ फूँक करने के बाद बच्चे का मृत्यु हो गया अंतिम में। लेकिन डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन तब तक बच्चा डेथ हो चुकी थी। ये गलती कर बैठे, लेकिन इसको पूरी तरह ये लोग ऐसा फैलाया कि नागिन ने लिया बदला। रहा बाकी जो सांप बाइट किया था वो स्पेक्टिकल कोबरा था, और इन बच्चे को जो बाइट किया वो कॉमन के था। ना दोनों एक सेम कैटेगरी का है, ना सेम प्रजाति का सांप है। और दूसरी बात है, सांप कभी भी बदला नहीं लेता, ये पूरी तरह मिथक है, गलत बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सांप को मार डाल। सांप एक हमारा पर्यावरण मित्र है और ये सांप जो है बेजवान है, और इसको मारना कानूनी जुर्म है। और जिस तरह जिस हम इंसान के लिए इस धरती पे जगह है, हमें ये धरती, नेचर प्रकृति हमें जन्म दिया है, यहाँ हम यहाँ हैं, उसी तरह उससे भी अधिकार है, हर जीव को अधिकार है, और हर जीव को हमारे किसी ना किसी रूप से हमारा कोई ना कोई काम में आने वाला चीज़ है। और जैसे तो हम जानते हैं कि सांप का जहर और सांप का बहुत सारे चीज़, और सांप हमें लगभग हमारा देश में 32% अनाज, 22% अनाज बचाता है, अनाज बचाता है, तब जाके हमें अनाज मिलता है, तब हम लोग खाना खाते हैं। तो इसीलिए उसे बचाए रखना ज़रूरी है। और रहा बाकी बदला लेने की बात, तो सांप के पास जो है ब्रेन होता है, लेकिन मेमोरी नहीं होता, जो कोई बात को स्टोर कर रख सकता है, जिसे याद कर सकता है, जिसे वो बदला ले सकता है, सोच सकता है कि मैं वो मारा उसको मैं बदला लूँगा, ऐसा कोई होता नहीं है। इससे पहले हम लोग अक्सर सुनते हैं सांप के आँख में एक कैमरा होता है, जो किसी का भी व्यक्ति का वो फोटो ले लेता है और वो बाद में उसको बदला लेता है। उसका आँख के अंदर कोई रील नहीं होता है, ना कोई मेमोरी होता है, ना कोई स्टोर करने का क्षमता होता है, ये पूरी तरह मिथक है। हो सकता है ये सांप जो मारे हैं कोबरा था, और रात को किसी ना किसी कारण जो है सब बच्चा
को बाइट कर लिया, घर में घुस गया होगा। अगर पिता ने सांप नहीं मारता, अगर काटता तो किसको आप बदनाम देते? हर साल भारत में बहुत सारा सांप मारा जाता है, हमको लगता है 50,000 से ज़्यादा मारा जाता है सांप, फिर भी उतने सबको बदला नहीं लेता, ये पूरी तरह गलत है। लेकिन इसका मतलब आप सांप को नहीं मारा, सांप को बचाए रखना जरूरी है। उसके साथ साथ ये जो अफवाह है ये पूरी तरह गलत है। और दूसरी बात यह है, यही डर के वजह से हम हिंदू धर्म में बहुत सारा नाग को हम लोग भगवान मानते हैं, नाग देवता मानते हैं, ताकि कम से कम इसके बारे में नया नया कहानी बनाया गया है कि सांप जो है बदला लेता है, आँख में फोटो है, ये नागिन बदला लेता है। ये सब कहानी बनाने का पीछे मुझे लगता है एक ही रीजन है, सांप को बचाने का एक प्रयास। कम से कम इस चीज़ से डर के आदमी सांप को मारते नहीं। अगर ये आदमी मन में ये डर रहे कि मैं सांप को ना मारूं, नहीं तो नागिन बदला लेगा, तो कम से कम सांप बचेगा हमारा देश में, सांप बचेगा तो हम इंसान बचेंगे। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध है कि इस अंधविश्वास से हटे और सर्वदंश के बाद इस बच्चे को अगर डॉक्टर के पास ले जाते तो शायद इस बच्चे का आज हमारे बीच होता। लेकिन उसको झाड़ फूंक ओझा तंत्र मंत्र के पास ले गया या और जहाँ पर भी, तो हम हर वीडियो में मेरा एक ही लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष में अंधविश्वास को दूर हटाना। आपको पता नहीं दोस्तों, एक चीज़ बता रहा हूँ, हर अंधविश्वास को हटाने के लिए जो भी पहला प्रयास या पहला कदम उठाएं उनको बहुत तकलीफ हुआ, उनका कोई साथ नहीं दिया। और मैं आज नहीं, आज लगभग जब से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, हर गांव में जाता हूँ, हर जगह, मेरा एक ही संकल्प है अंधविश्वास को हटाना। आप जानते नहीं है, एक घटना छोटा सा बता रहा हूँ, हमारा भारत में एक समय में सतीदाह प्रथा था। सतीदाह प्रथा का मतलब है पति अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो पत्नी को जिंदा उसका चिता में जला दिया जाता था, चाहे उस महिला अपने से अपनी इच्छा से वहाँ पर कूद के जान दे दे, और नहीं तो उसको जबरन उस आग में, उस चिता में उसका पत्नी को जला दिया था। ये हमारा भारत देश में ये था प्रथा। और इस प्रथा को हटाने के लिए राजा राम मोहन राय पूरा प्रयास किया, जब इसके विरोध किए तो उनके पीछे भी हजारों आदमी लगे और बोले ये आप गलत कर रहे हैं, ये समाज के खिलाफ है, ये प्रथा के खिलाफ है। क्योंकि पत्नी को, पति मरने के बाद पत्नी इस दुनिया में क्या करेगा, उसको भी पति का साथ उसी चिता में जला देना चाहिए, ये हमारा देश में प्रथा था। और इसको राजा राम मोहन राय बहुत वर्षों उनका प्रयास के बाद ये धीरे धीरे उसको देश से ख़त्म हुआ। उसके बाद उस महिला का, जो महिला विधवा होती उसको शादी नहीं होता था, उसको फिर कौन शादी करेगा? हमारा भारत का ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो सबसे बड़े विद्वान, वो अपना बेटा गोवर्धन से पहला विधवा को शादी कराए थे। तो इसीलिए अंधविश्वास को हटाना जरूरी है। इस देश से आप सभी को अनुरोध है कि आप इस अंधविश्वास को हटाने में हमें मदद करें, हमारा सहयोग करें। दोस्तों सर्दर्श के बाद डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के पास इलाज करें। दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद, जय भारत।